नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास में अलाइज है क्या, आखिर अलाइज क्या था। अगर देखा जाए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का यूरोप बारूद के एक बड़े ढेर पर खड़ा था, जिसमें आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। पिछली शताब्दी से यूरोप की घटनाएं इस तरह घटित हो रही थी कि अब अधिक समय तक शांति स्थापित नहीं रखी जा सकती यूरोप में, और जिसका फैलना पूरे संसार में होना ही था। तो देखा जाए यूरोप के सभी देशों के अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, जैसे फ्रांस प्रसा युद्ध हो गया, बर्लिन सम्मेलन हो गया, बल्गेरिया प्रश्न हो गया, या त्रिराष्ट्र संधि का जन्म। अगर देखा जाए रूस और जर्मन विवाद भी आमने सामने हो रहे थे। तो देखा जाए जो संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग की लपेट में ले गई, और जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय दो गुट थे, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का। तो जो केंद्रीय शक्तियों का जो देश थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया और तुर्की थे, वह केंद्रीय शक्ति का गुट था। और दूसरा जो गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिसे अलाइज कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अलाइज कहा जाता था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और कोस्टारिका देश शामिल थे। तो जो अलाइज था वह मित्र राष्ट्रों का एक गठन था। मित्र राष्ट्रों की शक्ति अलाइज के नाम से जानी जाती थी प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों। तो अलाइज क्या था, मित्र राष्ट्रों का जो संगठन था उसे अलाइज कहा जाता था। पहला गुट अलाइज था, जो किसके खिलाफ था, केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया देश शामिल थे। तो अलाइज एक मित्र राष्ट्रों का संगठन था, जिसमें मित्र राष्ट्र इकट्ठे थे और वह केंद्र शक्ति के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तो वह क्या कहलाता था, अलाइज कहलाता था दोस्तों। जो 20वीं शताब्दी का यूरोप था एक बहुत बड़े ढेर पर खड़ा था। आप सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध इतना विनाशकारी था कि उसका फैलना पूरे विश्व में फैल सा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्रों का जो संगठन बना वह अलाइज के नाम से था, पहला गुट अलाइज के नाम से कहलाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।